तो गाइज़ हम जो है दुकान पर आ चुके हैं, ये हम इसको लेकर आ चुके हैं। तो मैं देखिए यहाँ पर आपको किक लगा के इसमें दिखाता हूँ। तो इसके अंदर से जो है कुछ साउंड आ रही है, देखिए तो गाइस सुबह सुबह अब मैं दुकान पे जा रहा था और टाइम अभी जो है 8 बजने को है। तो ये भाई जो है अपनी बाइक को पैदल खींच के ले जा रहा था, तो मैंने सोचा पूछा इससे क्या हुआ, तो इसने सोचा कि बाइक जो है कुछ आवाज़ करके ये बंद हो चुकी है। तो जब मैंने देखा ये जो है इसकी किक नहीं लग रही, शायद ऐसे में कुछ इंजन में प्रॉब्लम आ चुकी है। तो चलिए हम पहले जो है इसको टॉर्चर करके अपनी दुकान पर ले जाते हैं और उसके बाद देखते हैं। तो चलिए पहले मैं थोड़ा इसको आगे चला लेता हूँ। आप यहाँ पर पैर लगा ले, चलो एक बार बाइक चल जाएगी तब कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ऐसे जो है हम बाइक को टोचन करके ले जाते हैं, कहीं से भी लेकर आनी होती है अगर बाइक स्टार्ट नहीं होती है तो हम इस तरीके से बाइक को टोचन कर लेते हैं। तो चलिए तो बाइक को हमने ओपन करके देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि इसके अंदर प्रॉब्लम क्या हुई है, जाम हुई है, पिस्टन जाम हुआ है, ऑयल नहीं रहा, जो भी इसमें प्रॉब्लम होगी वो तो बाद में ही लगेगा पता। लेकिन भाई का कहना है कि इसके अंदर से कुछ आवाज़ पहले भी आ रही थी, शायद हो सकता है कुछ ना कुछ आवाज़ आने के चलते इसका इंजन जो है वो जाम हो चुका है। तो चलिए पहले हम जल्दी से दुकान पर चलते हैं और इसके बाद देखते हैं भाई। तो देखिए अब हम जो है रोड पर हैं, तो यहाँ से बिलासपुर अभी जो है आप देख सकते हैं बोर्ड लगा हुआ है, 4 किलोमीटर दूर है यहाँ से। यहाँ पर देखिए ये जो पोल लगा हुआ है 4 किलोमीटर दूर बिलासपुर है और यहाँ पर। तो चलिए पहले हम दुकान पर चल लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं भाई इसको ओपन करके। दोस्तों अगर आपको भी कोई बंदा मिल जाए सड़क पर तो आपने उसकी हेल्प ज़रूर करनी है, चाहे उसमें पेट्रोल ख़त्म हो जाए, कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए तो आपका फ़र्ज बनता है कि एक बार पूछ लेना चाहिए कि आपकी बाइक में क्या हुआ है। तो अगर बाइक में चलो किसी स्टार्टिंग से लेकर प्रॉब्लम है तो आप जो है वहाँ पर उसको थोड़ा टोचन कराकर उसको मैकेनिक तक छोड़ दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पेट्रोल वगैरह हो तो आप उसकी थोड़ी बहुत मदद कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों जल्दी से पहले हम दुकान पर चलते हैं, इसके बाद हम आगे का प्रोसेस आपको दिखाते हैं। तो गाइज़ हम जो है दुकान पर आ चुके हैं, ये हम इसको लेकर आ चुके हैं। तो मैं देखिए यहाँ पर आपको किक लगा के इसमें दिखाता हूँ। तो इसके अंदर से जो है कुछ साउंड आ रही है, देखिए ऐसे करके ये जो है बार बार बंद हो रही है। तो यहाँ पर चलिए इसको जो है हमें खोल के देखना पड़ेगा, इसी क्रैंक वगैरह की जो बहुत ज़्यादा साउंड आ रही है। तो चलिए पहले हम दुकान खोल लेते हैं। देखिए अभी हम जो है दुकान पर पहुँचे हैं और हम दुकान खोलने वाले हैं। तो दुकान खोलने के बाद मैं आपको खोल के दिखाऊँगा कि इस बाइक में क्या क्या प्रॉब्लम है। तो वीडियो में बने रहना दोस्तों, वीडियो बहुत ही नॉलेजफुल वाला है और आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो गाइस हमने जो है अपनी दुकान की साफ़ सफाई करके, टूल की पूजा करके यहाँ पर जो है मैंने इस बाइक को तकरीबन इतना ओपन कर लिया है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों अभी मैंने इसके क्लच को, टाइमिंग चैन वाले पार्ट को और ब्लॉक किट को यहाँ पर बाहर निकाल दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो मैं इसको थोड़ा जो हूँ इंजन स्टैंड के ऊपर रख लेता हूँ और इसके मेन चैम्बर को ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो है हमें इसके गियर बॉक्स को और इसके बैरिंग वगैरह को भी चेक करना है, क्या उनमें भी कोई प्रॉब्लम है या नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो मेरे पास भाई है, जिसकी ये बाइक है, ये अपने बजट के अनुसार ही इसका काम कराना चाहता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों,
चलिए एक काम तो वो होता है जो हमने बिल्कुल जेन्युइन तरीके से करना होता है कि हमने इसका टोटल इंजन करना है, लेकिन यहाँ पर जो है हमने इसके जो है बजट के अनुसार इसका काम करना है। तो यहाँ पर इस भाई का कहना है कि मैंने जो है इसका तकरीबन 5-6 महीने पहले इसके अंदर पिस्टन रिंग करवाए थे, और यहाँ पर देखिए दोस्तों जो इसकी ये क्रैंक है और इसके अंदर जो कनेक्टिंग रोड बैरिंग और ये पिन होती है, ये जो है धीरे धीरे कटने लग जाते हैं, जिसके चलते यहाँ पर ये दाग होने के चलते इसकी साउंड बढ़ने लग जाती है। और जब एक टाइम ऐसा भी आ जाता है जब ये जो है बहुत ज़्यादा साउंड करने के चलते ये सीज भी हो जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने जो है अब इस इंजन को यहाँ पर साफ सफाई करके ही इसकी फिटिंग करनी है, और यहाँ पर इसके अलावा हमने जो है इसके अंदर जो है 25 नंबर के रिंग डालने हैं, क्लच प्लेट डालने हैं, टाइमिंग चैन वगैरह इसकी सब ठीक है, और जो इसके वाल्व वगैरह हैं ये हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर चलिए दोस्तों हम जो है इसके क्रैंक को खराद वाले के पास ले जाते हैं, और उसके बाद हम जो है इसके पिस्टन को और यहाँ पर इसके हेड को चेक करते हैं। तो गाइस ये इसका हेड है, और यहाँ पर हेड के जो इसके वाल्व वगैरह हैं यहाँ पर ये काफ़ी डाउन हो चुके हैं। शायद यहाँ पर जो है जिस मैकेनिक ने यहाँ पर इसका काम किया होगा इसके अंदर जो है पुराने वाल्व ही यहाँ पर जो है डाल दिए होंगे, उनको ही यहाँ पर ग्राइंड करके इसको फिट कर दिया होगा। तो यहाँ पर इसके अंदर जो है वाल में काफ़ी प्ले है। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखा दूँ, इसके मैंने इंटेक और एग्जॉस्ट को जैसे चेक किया तो यहाँ पर एग्जॉस्ट तो ठीक है, लेकिन जो इसका इंटेक वाल्व है ये यहाँ से जो है कट चुका है, इसके अंदर काफ़ी प्ले हो चुकी है। अब यहाँ पर जो है मेरे पास ये जैसे कि काफ़ी सामान ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ओके होते हैं तो उनको हम रख लेते हैं। ये मुझे पता है बहुत सारे ऐसे कस्टमर मेरे पास आते हैं जो मजबूरी में जो है अपनी बाइक को ठीक करवाते हैं, तो ऐसे में दोस्तों ये पार्ट्स जो है हम उनकी बाइक में डाल देते हैं तो उनका ये काम चल जाता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ये मेरे पास बिल्कुल ओके वाल्व है, इनमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर जैसे मैंने इनको चेक किया इसके अंदर हल्की से भी प्ले नहीं है। हेड को मैं दोस्तों अपने आप रिपेयर करता हूँ, मैंने हेड के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है किस तरीके से हम जो है इसके हेड को रिपेयर करते हैं, फिट करते हैं, किस तरीके से हमें इसके वाल्व को ग्राइंड करना होता है, तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों जो इसके केम रोकर हैं ये बिल्कुल ओके हैं। देखिए दोस्तों अगर आपकी बाइक वाइट स्मोक देती है तो आपने उसके अंदर जो है थोड़ा अच्छी कंडीशन का ऑयल उसमें डलवा लेना है, या फिर समय समय पर आपने उसके ऑयल को जो है टॉपअप करवा लेना है, जिससे यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर जो है आपकी बाइक के पुर्जे सूखे न चले, तो इससे जो है आपकी बाइक का जो है खर्चा काफ़ी कम होगा। तो यहाँ पर चलिए मैं इसके हेड को थोड़ा यहाँ पर साफ़ कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो है इसमें काफ़ी कार्बन जमा हुआ है। मैं कोई भी काम करता हूँ दोस्तों बहुत ही साफ सफाई से करता हूँ। तो यहाँ पर हेड को साफ करने के बाद यहाँ पर देखिए जो ये मेरे पास वाल्व है इनके ऊपर थोड़ा बहुत यहाँ पर जो है ये कार्बन जमा हुआ है, तो इनको भी जो हूँ मैं इस ग्राइंडर पर लगे ब्रश के द्वारा थोड़ा साफ़ कर लेता हूँ। और देखिए अब मैंने इनको साफ़ कर लिया है, और साफ़ करने के बाद आप देख सकते हैं ये बिल्कुल चमचमाते हुए बिल्कुल नए हो चुके हैं। तो यहाँ पर दोस्तों काम जो है कोई भी जो है साफ़ सफाई से ही होना चाहिए। और इसके बाद जो इसका पिस्टन होता है इसको भी हम जो है थोड़ा ब्रश के द्वारा साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है थोड़े बहुत स्क्रैचेस पड़ जाते हैं, तो उनको ये जो है ब्रश अच्छे से साफ़ कर लेगा। तो देखिए दोस्तों ये जो पिस्टन है हमने इसको ब्रश के द्वारा कितना साफ़ कर दिया है, इसके ऊपर हल्के से भी अब स्क्रैचेस नहीं है। और यहाँ पर दोस्तों जो हमारे पास ब्रश होता है इसको आप अमेजोन से परचेज कर सकते हैं, ये आपको कप ब्रश के नाम से मिल जाएगा, और ये 3 इंच का ब्रश होता है। तो यहाँ पर आप पिस्टन को मैं आपको चेक करा देता हूँ, देखिए पिस्टन जो है अब ये टाइट पोजिशन में इसके अंदर जा रहा है, ठीक है, क्योंकि इस भाई ने जो है इसका 6 महीने पहले काम करवाया था पिस्टन रिंग का। तो यहाँ पर दोस्तों अब हमने इसके अंदर जो है कुछ काम वगैरह कर लेने हैं, इसके हेड को ग्राइंड कर लेना है, इसके अंदर रिंग किस तरीके से डालेंगे, इन सब की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में आगे देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों पहले हम अपने सामान को यहाँ पर इकट्ठा कर लेते हैं इसकी साफ सफाई करके। तो गाइस देख सकते हैं हमने जो है इसके पार्ट्स को अच्छे से साफ़ कर लिया है, क्योंकि मैंने जो है इस बाइक को अभी फिट करना है, और मैंने इस बाइक को जो है भाई को शाम तक देना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जो हमारी क्रैंक वगैरह है इसके अंदर हमने जो है कनेक्टिंग रोड असेंबली किट डलवा दी है, और जो बैरिंग होते हैं वो फैक कंपनी के इसमें डलवाए हैं, और इसके अंदर हम ये उषा कंपनी के वाल्व डालने वाले हैं जो मेरे पास पड़े हुए थे। तो यहाँ पर मैंने इनको ग्राइंड कर दिया है, तो मैं इनको इसमें डाल दूंगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसके पुराने वाल्व यहाँ पर अभी पड़े हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इतनी दोस्तों हमारी साफ सफाई हो चुकी है, हेड को मैं फिट कर लूँगा बाद में। और इसके पिस्टन के अंदर किस तरीके से रिंग इंस्टॉल करते हैं इन सब की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बिल्कुल लाइव दिखाऊंगा। तो यहाँ पर दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को जैसे लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों पहले मैं इसकी आधी फिटिंग कर लेता हूँ, और उसके बाद मैं आपको आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ।
सो गाइस मैंने जो है इसके इंजन की इतनी फिटिंग कर दी है और इसके अंदर जो है हमने एमकी की क्लच प्लेट डाल दी है, क्योंकि यहाँ पर जो है भाई का इतना बजट नहीं है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके अंदर, चलिए मैं बार बार तो नहीं ओपन करूँगा इसको, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके अंदर मैं एमकी की क्लच प्लेट डाल दूँ। तो भाई जो है यहाँ पर एग्री हो चुका है और इसके अंदर मैंने एमकी की क्लच प्लेट डाल दी है, तो यहाँ पर इतनी फिटिंग हो चुकी है दोस्तों। टाइम भी तकरीबन 12 बज चुके हैं और यहाँ पर चाय का टाइम हो चुका है, आप चाय पीना चाहते हैं तो चाय पीजिए। तो दोस्तों थोड़ा मैं चाय पी लेता हूँ और उसके बाद मैं आपको आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को दिल से लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना इसकी साउंड कैसी बनेगी अगर आपको यहाँ पर वीडियो अच्छा लग रहा होगा। तो गाइस हमने जो है इसके इंजन की फिटिंग इतनी कर दी है, इसके अंदर हमने क्रैंक रिपेयर कराई, इसके अंदर जो है हम ये फुल असेंबली किट डलवाते हैं, ठीक है। क्लच प्लेट हमने इसके अंदर एमकी की डाली है, क्योंकि यहाँ पर जो है कस्टमर का इतना बजट नहीं है, तो मैंने इसके अंदर ये एमकी की क्लच प्लेट डाली है। और यहाँ पर देखिए इतनी फिटिंग होने के बाद यहाँ पर ये हमारी टाइमिंग चैन, बाकी जो है कस्टमर ने कुछ काम करवाए हुए थे, टाइमिंग चैन भी डलवाई थी, रोलर वगैरह ये सब ओके है। और यहाँ पर जो है कुछ टाइम पहले इन्होंने जो है इसका काम भी करवाया था पिस्टन रिंग का। तो यहाँ पर जो मैंने आपको दिखाए वाल इसके जो है कुछ यहाँ पर घिस चुके हैं, तो मैंने यहाँ पर जो है ये वाले वाल जो मेरे पास पड़े थे मैंने आपको दिखा दिए थे, तो UIL कंपनी के उषा कंपनी के जो होते हैं ये मैंने इसके अंदर वाल डाल दिए हैं, ठीक है। यहाँ पर जो मैंने आपको साफ करके इनको दिखाया है, तो ये मैंने इसके अंदर डाल दिए, क्योंकि इसके अंदर जो था ये इनटेक वाला वाल उसमें प्ले थी और इसमें प्ले नहीं है, ठीक है। मैंने इनको थोड़ा जो है अपने आप ग्राइंड कर दिया है, क्योंकि मैं इनको अपने आप ग्राइंड करता हूँ, तो यहाँ इसके अंदर इतनी ज़्यादा प्ले नहीं है। तो ये हो गया हमारा, इसके अंदर हम वाल सील भी नहीं डालेंगे। तो यहाँ पर ये जो है हो गया, और ये इसका पिस्टन है, ठीक है। यहाँ पर 25 नंबर का जो है इसका ये पिस्टन है, तो पिस्टन ये हमारा ठीक है, ज़्यादा लूज़ नहीं है, तो ये ओके है, इसमें इतनी ज़्यादा प्ले नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर इतनी इसमें प्ले नहीं है। तो अब यहाँ पर ये हमारा इतना काम होने के बाद ये हमारे इसके रिंग हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी रिंग जो है, ये 25 नंबर के मैं इसमें रिंग डालूँगा। और यहाँ पर चलिए मैं उनको बाहर निकाल लेता हूँ, जैसे भी इसकी साउंड बनेगी मैं आपको इसके सामने दिखाऊंगा। तो मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ भाई। तो ये हमारे इसके रिंग हो गए। तो जब भी आप किसी पुराने पिस्टन में रिंग डालते हो तो यहाँ पर आपने जो है इसके गैप को चेक कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर तो मैं आपको गैप चेक करा दूँ, यहाँ पर देखिए इसके अंदर आपको सेविंग ब्लेड से भी कम गैप देखने को मिल रहा होगा। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर, ठीक है। और ये हो गया हमारा इसका कंप्रेशन रिंग, दूसरे वाले को भी चेक कर लेता हूँ मैं। तो यहाँ पर रिंग जितने अच्छे होंगे, टाइट होंगे, गैप कम होगा, तो बाइक के अंदर लंबे समय तक कोई वाइट स्मोक की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये इसके ऑयल रिंग हैं, इनको भी हम चेक कर लेते हैं। तो आपने पिस्टन को इसमें ऐसे डालना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसमें भी सिर्फ एक सेविंग के ब्लेड जितना गैप है, ठीक है, यहाँ पर। तो ये हमारे इसके रिंग हो गए, अब मैं इनको आपको डाल के दिखाता हूँ। वैसे मैंने ऑलरेडी जो है स्प्लेंडर इंजन की फुल फिटिंग का वीडियो बनाया हुआ है, और अलग से जो इसके पिस्टन रिंग होते हैं, रिंग किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं, सब सारी चीज़ मैंने जो है डिटेल में पाई हुई है, सब के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है किस तरीके से हम हेड की फिटिंग करते हैं। तो यहाँ पर चलिए हम इसकी जो है रिंग की फिटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ, ये हमारा इनटेक भाग है, ठीक है। यहाँ पर जो इसके अंदर के कट होते हैं, यहाँ पर इनको आपने अच्छे से साफ़ कर लेना है, ठीक है। देखिए जैसे मैंने आपको दिखाया है ये बिल्कुल साफ़ है। और यहाँ पर देखिए ये हमारा इसका एक्सपेंडर रिंग है, एक्सपेंडर रिंग को आपने जो है पिस्टन ऐसे सीधा पकड़ लेना है और यहाँ पर ये इसको एम शेप में ऐसे डाल देना है, ठीक है। यहाँ पर ऐसे इसको आप सेंटर में कर दें बिल्कुल यहाँ पे। तो ये हमारी इसके एक्सपेंडर रिंग हो गई इनटेक भाग में, यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में, ठीक है, यहाँ पर जो इसका ये कट है। तो यहाँ पर हो गया, तो आप इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेना। और यहाँ पर जो इसके ऑयल रिंग है, इनको आपने जो है ऐसे चेक करना है, ठीक है। यहाँ पर जिस साइड में ये मूव करेंगे देखिए, तो इनको ना आपने दोनों को ऐसे ऊपर कर देना है, क्योंकि यहाँ पर जितना भी कंप्रेशन बनेगा वो उतना बेस्ट होगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो है ऐसे ऊपर बैंड हो रहे हैं, ठीक है, तो इनको आपने ऐसे कर देना है, ठीक है, दोनों को। तो यहाँ पर लगाना कैसे है, यहाँ पर इस वाले को आपने जो है
जो इसका ये इस साइड का कट है, ठीक है, जो होल है ये, यहाँ पर आपको अंदरली साइड में एक होल और देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपने जो है इस रिंग को ऐसे बिठा देना है। ये ऐसे यहाँ पर बैठ गया, ठीक है। अब दूसरे वाला, दूसरे वाले को भी आपने ऐसे ही चेक करना है, देखिए यहाँ पर, ठीक है। ये भी जो है आपने ऊपर की तरफ कर देना है। तो ये इस साइड में आ गया और ये जो है कट यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर। तो ये जो है हमारे इसके ऑयल रिंग इसमें ऐसे डल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर बीच में हमारा एम शेप बन गया है, इस साइड में ये हमारा इसका ये वाला ऑयल रिंग आ गया, इसका कट आपने यहाँ पर कर देना है और इस साइड में इसका, ठीक है। ये हमारा इनटेक भाग। अब एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट में आपने जो है इसके यहाँ पर ये इसका टॉप वन और टॉप टू रिंग होता है। टॉप टू यहाँ पर आप ऐसे रखें, जो हमारा एग्जॉस्ट है इसको आपने यहीं पर कर देना है, ठीक है। यहाँ पर ये वाला जो इसका हमारा अंदर वाला इसका होल है, इसके बिल्कुल सामने, तो यहाँ पर आप ऐसे कर देंगे इसको। तो गार्लिक मिंट ये हो गया और ये इसका जो है टॉप वन, ये भी आपने यहाँ पर रख देना है, ठीक है, ऐसे इसमें डाल देना है। तो ये हमारे जो है रिंग इसमें डल गए, ठीक है। यहाँ पर ये कट आ गया और यहाँ पर ये वाला कट आ गया, ठीक है, और ये वाले इधर आ गए। थोड़ा बहुत अगर घूमते हैं आप इनको थोड़ा बहुत सेट कर लें, ठीक है। तो ये हमारे रिंग इस तरीके से डले गए। आप यहाँ पर थोड़ा ऑयल लगा दें और ब्लॉक हीटर के अंदर आपने इसमें डाल देना है, ठीक है। तो ये हमारे इसके अंदर जो है रिंग इंस्टॉल हो चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए इसके अंदर ये पिस्टन कितना टाइट हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए, तो अब हमारा जो पिस्टन जो है बिल्कुल यहाँ पर ज़बरदस्त चलेगा, इसकी कोई साउंड वगैरह भी नहीं आएगी। तो यहाँ पर इसको मैं थोड़ा साइड में रख लेता हूँ और इसके बाद हम इसके चलिए हेड की फिटिंग कर लेते हैं। तो हेड की फिटिंग करने के बाद हमारे पास जो इसका टाइमिंग चैन वाला पार्ट है इसको भी हम फिट कर लेते हैं, और उसके बाद दोस्तों हम इसको फिट करने के बाद आपको इसकी साउंड सुनाएंगे। तो गाइस मैंने जो है इसके इंजन की फिटिंग कर दी है, इसके अंदर हमने क्रैंक रिपेयर, एमके की क्लच प्लेट, टाइमिंग चैन वगैरह इसके ओके है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर हमने 25 नंबर के रिंग डाल दिए और जो मेरे पास सेकंड हैंड वाल पड़े थे वो मैंने इसके अंदर जो है ग्राइंड करके वो डाल दिए हैं, और ऑयल इसमें मैंने नया डाल दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है मैंने इसकी फिटिंग कर दी है और ये हमारी बाइक खड़ी है। तो चलिए दोस्तों जल्दी से पहले मैं इसके इंजन की फिटिंग कर लेता हूँ, यहाँ पर बाइक में असेंबल कर लेता हूँ और उसके बाद आपको इसकी साउंड सुनाऊंगा। वैसे दोस्तों मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताना कि इसकी इंजन की साउंड कैसी बनेगी। तो चलिए दोस्तों जल्दी से पहले मैं इसकी फिटिंग कर लेता हूं और उसके बाद आपको इसकी साउंड सुनाऊंगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना।
गाइस ये थी हमारी स्प्लेंडर प्लस बाइक, जिसके इंजन के अंदर जो है मैंने इस कस्टमर के बजट के अनुसार काम किया है। इसके अंदर मैंने क्रैंक रिपेयर करा दी, फुल असेंबली की टिप्स में डलवाई है, साइडों के दोनों बैरिंग नए चेंज किए, एमकी की इसमें मैंने क्लच प्लेट डाल दी, सेकंड हैंड मेरे पास जो वाल पड़े थे ओके मैंने वो डाल दिए, वाल्व फ्यूल डाल दी और टाइमिंग चेन वगैरह इसकी ओके थी, सब कुछ इसका बाकी ओके था, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। तो इसकी साउंड मैंने जो है आपको पहले सुनवाई थी कि इसके अंदर से जो है बहुत ज़्यादा गड़गड़ाहट की आवाज़ आ रही थी, तो करेंगे इसकी जो है बहुत ज़्यादा साउंड करने के चलते ये स्टार्ट नहीं हो रही थी। तो ऐसे में बाद में मैंने जब इसकी साउंड सुनाई तो इसकी साउंड बिल्कुल ओके हो चुकी थी, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। तो यहाँ पर दोस्तों हमें जो है काम कस्टमर के अकॉर्डिंग भी करना होता है उसके बजट के अनुसार। अब देखिए जेन्युइन काम तो कोई भी कर देगा जब उसके पास पैसे होंगे, लेकिन अगर एक कस्टमर मजबूरी में काम करा रहा है तो हमें उसी हिसाब से ही चलना पड़ता है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास कोई भी बाइक आ जाती है तो उसके अंदर ये नहीं है कि हम बिल्कुल जेन्युइन तरीके से काम करेंगे तभी उसकी साउंड बनेगी। जैसे मैंने देखिए इसके अंदर बजट के अनुसार काम किया और तब भी इसकी साउंड अच्छी बनी। अब ये सारा जो है देखिए एक काम जो होता है एक मैकेनिक के हाथ में होता है। मैकेनिक अगर साफ सफाई से मेहनत से ईमानदारी से लगन से काम करेगा तो कोई भी काम जो होगा वो अच्छा ही होगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जब मैं सुबह दुकान पर जा रहा था तो मैंने इस बंदे से पूछा कि भाई साहब आपकी बाइक में क्या हुआ। मैंने सोचा कि चलिए पेट्रोल वगैरह खत्म हो गया होगा या फिर कुछ स्टार्टिंग से लेकर प्रॉब्लम आई होगी। तो इसने बोला नहीं शायद इसका जो है इंजन ये जम हो चुका है। तो मैंने जब इसको स्टार्ट करके देखा तो उसकी साउंड जो है बहुत अजीब आ रही थी। मैंने सोचा कि इसकी क्रैंक वगैरह बिल्कुल ये डैमेज हो चुकी है। तो मैंने उससे कहा कि मैं एक मैकेनिक हूँ, चलिए मैं इसका काम कर दूंगा। और मैंने जब बंदा वो सहमत हो गया तो मैं इसको अपनी दुकान पर ले गया और मैंने उसके बजट के अनुसार इसका काम कर दिया। तो दोस्तों अगर हमारे पास कोई भी बंदा आता है तो हम उसके बजट के अनुसार भी काम करते हैं, ये नहीं है कि हम उसके अंदर बिल्कुल जेन्युइन जो काम करें और उसके अंदर बहुत ज़्यादा बिल बना दें। तो मेरा आपको दोस्तों उसमें यह संदेश देना है कि अगर आपको कोई रास्ते में मिल जाए तो आप उससे जरूर पूछ ले कि आपके बाइक में क्या हुआ है। शायद हो सकता है पेट्रोल खत्म हुआ हो, स्टार्टिंग प्रॉब्लम आई हो, पेट्रोल से भी आप उसकी मदद कर सकते हैं। या वैसे कि देखिए ज़्यादा नहीं 2-4 किलोमीटर दूरी पे तो पेट्रोल पंप लगे रहते हैं, आप उसको थोड़ा जो है टोचन करके वहाँ तक छोड़ दें, या फिर कोई और प्रॉब्लम हो तो आप उसको मैकेनिक तक छोड़ दें, तो आपका फर्ज बनता है। ये नहीं है कि कल उसके साथ ही ये जो है प्रॉब्लम आ रही है, आपकी बाइक में भी कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। तो दोस्तों हमें जो है हर किसी की हेल्प करनी चाहिए मजबूरी में। तो यहाँ पर दोस्तों ये एक छोटा सा संदेश था और आपको इस बाइक से लेकर क्या कुछ सीखने को मिला मुझे वीडियो में जरूर बताना। अगर दोस्तों आपका इस वीडियो से लेकर कुछ ना कुछ सवाल जवाब है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो मैं आपका रिप्लाई देने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों अगर वीडियो में आपको थोड़ी सी अच्छी जानकारी लगी होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को दिल से लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना। तो चलिए दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।